और साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बाइक अड्डा 23 पर। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं एलटी ग्रेड टीचर्स भर्ती न्यूज टुडे, शिक्षा सेवा आयोग न्यूज टुडे, आरक्षण घोटाले की याचिका पर मंथन जीआईसी भर्ती न्यूज टुडे, जानिए सब कुछ इस वीडियो में। शुरू शिक्षा सेवा आयोग का कोरम पूरा करने को अंतिम मौका, असिस्टेंट प्रोफेसर के 907 पदों पर भर्ती में सुनवाई, आवश्यक कदम उठाए जाने के लिए दिशा निर्देश। उच्चतम न्यायालय ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 907 पदों पर भर्ती को लेकर लंबित याचिका पर सुनवाई करते हुए यूपी सरकार को एक बार फिर उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का कोरम पूरा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कोरम को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने के लिए अंतिम अवसर देते हुए अगली सुनवाई के लिए 23 मई को तारीख लग। आरक्षण में घोटाले की याचिका पर मंथन, 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामला, अभ्यर्थियों ने राज्यपाल व राष्ट्रपति से न्याय की लगाई गुहार, लखनऊ खंडपीठ में 25 मई को होनी है सुनवाई। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों के आरक्षण घोटाले के आरोपी को 25 मई को होने जा रही है सुनवाई के लिए पिछड़ा वर्ग ओबीसी और अनुसूचित जाति एससी के वर्ग अभ्यर्थियों ने बुधवार को आज़ाद पार्क में बैठकर रणनीति पर मंथन किया और साथ ही इन अभ्यर्थियों ने राज्यपाल वह राष्ट्रपति को पत्र लिखकर न्याय की गुहार भी लगाई। प्यारे ब्यातो, एलटी ग्रेड टीचर्स भर्ती 2018 की वेटिंग लिस्ट वालों की नियुक्ति प्रक्रिया की प्रोसीडिंग चल रही है। अब यह नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र ही पूर्ण कर जीआईसी के लेक्चरर भर्ती की नई भर्ती के विज्ञापन की तैयारी है और जैसे ही नया आयोग का गठन हो जाएगा यह भर्ती आएगी लगभग 9,000 पदों पर। ओके साथियों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।